मनोज, आपकी बड़ी चिंता हो रही है लेकिन हमारे फैंस को, जितने फैंस मैं सुन रहा हूँ अभी कि जितने फैंस आ रहे हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि मनोज का गला खराब है, गला खराब है। अरे आप तो उतना नुस्खे ही नहीं भेजे, वो तो अदरक की चाय मैंने भिजवा दी थी, तो उसकी वजह से कल से बेहतर है। आशा करते हैं मनोज आपकी आवाज और बेहतर हो जाए। लेकिन एक इंसान जिसने अपनी आवाज ढूंढी इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में, अक्षर पटेल अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, 11 विकेट्स निकाले उन्होंने। और आपने जैसा पिछले शो में भी सुना मनोज को कहते हुए, उन्होंने बताया कैसे बड़ी स्मार्टली उन्होंने गेंद की सीम का यूज करा, तो जिस तरीके से वो स्मार्टली बैट्समैन को आउटफॉक्स कर रहे थे, उनको चकमा दे रहे थे अपनी गेंदबाजी से, ये दर्शाता है कि ये भी अक्षर पटेल को मौके कम मिले मनोज, लेकिन ये भी एक चतुर गेंदबाज, उनको मालूम है कि शायद मेरी गेंद इतनी टर्न नहीं होती, तो वो अपने वेरिएशन से बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि गुजरात से जो आते हैं ना वो चतुर होते ही है, चाहे आप बिजनेस में ले ले चाहे क्रिकेट में ले ले। तो मेरे ख्याल से हमने देखा कितनी चतुराई से उन्होंने बॉल की। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे बॉक्स कितना अच्छा वो यूज कर रहे थे, इसलिए पहले इनिंग्स में ना सामने जा पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे। जो बैट्समैन को जो लेंथ समझ नहीं आता ना वो लेंथ में डाल रहे थे। वो तभी पॉसिबल है जब आप बॉलिंग क्रीज अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। और वाइड ऑफ द स्टंप्स भी जा रहे थे, और मैंने जो कहा बॉल का सीम जो गिर के सीधा जा रहा है, वो जो शाइनी पार्ट है लेदर पार्ट का, वहां पे वो ड्रॉप कर रहे थे, क्योंकि पिंक बॉल जिस लेदर से बनता है उस पे थोड़ा एक्स्ट्रा कोट दिया जाता है बॉल पे, जिसके वजह से बॉल ज्यादा शाइन करती है, और अगर बॉल नहीं है तो गिर के सीधी भी होती है। तो अगर जिस विकेट पे वो बॉल घुमा भी रहा है और एक गिरा बॉल गिर के सीधा भी कर रहा है, तो वहां पे बॉलर्स को खेलना मुश्किल हो जाता है। और अक्षर पटेल सिर्फ अपना एक्यूरेसी और ये वेरिएशन अप्लाई किए, बाकी रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। दो मैच में उन्होंने बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस किया, और अगर इस तरह का पिच रहा तो आने वाले समय में इनको भी देखेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब पार करेंगे। सही बात है, अक्षर पटेल जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे थे, वो कैसेट आता था ना बचपन में मनोज, ए साइड बी साइड, तो ए साइड टर्नर्स थे, पलट दीजिए बी साइड बॉल सीधी जा रही थी, तो बड़ी शानदार गेंदबाजी करी उन्होंने। और शायद वो अब एक अपने लिए केस भी बना रहे हैं मनोज, इस भारतीय टीम का हिस्सा होने का। जब रविंद्र जडेजा वापस आ जाए तब भी बतौर तीसरे स्पिनर, अगर भारत चाहे तीन स्पिनर खिलाना, तो क्या ये अब अपने आप को एक विकल्प की तरह आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए मैं आपको बैटिंग में भी डेप्थ दूंगा और मैंने गेंदबाजी से तो आपको दिखाया ये मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अगर अक्षर पटेल को ड्रॉप किया जाए रविंद्र जडेजा आने के बाद, तो मैं इस पे मतलब एग्री नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा देखने को मिलेगा नहीं तने, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी इंजर्ड है, उनको थोड़ा मैच प्रैक्टिस भी लगेगा, तो अगर एक दो मैच फर्स्ट क्लास खेले तो अच्छा रहेगा आने से पहले। लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत है, अभी आपकी कुलदीप जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है, हालांकि कम ओवर्स करने को मिले थे पिछले मैच में, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है, कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन है, और भाईचारा है हमारे भारतीय टीम में। अभी अगर आप देखें तो कितना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होते, पहले क्या होता था अगर जो नहीं खेल रहा है तो बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते थे, वो शो भी करता था कहीं ना कहीं, लेकिन ये टीम में वैसा कुछ लग नहीं रहा। कोई भी खेल रहा है, चाहे वो पहला मैच खेल रहा हो या 100वां मैच खेल रहा हो या 70वां मैच खेल रहा हो, सब एक ही तरह लग रहे हैं और एक दूसरे के परफॉर्मेंस के लिए वो लोग खुश भी है। तो ये एक बहुत अच्छा टीम का यूनिटी बना हुआ है, देख के भी अच्छा लगता है।